तो वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम आपको बताएंगे आज एक फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। एक अटेंडेंस फॉर्मेट के लिए हम माइक्रो क्रिएट करना सिखाएंगे। इसमें बहुत सारे चीज आप सीखेंगे। चलिए, तो अटेंडेंस फॉर्मेट कैसा होता है गूगल पे जाके आप देख सकते हैं। जनरली मुझे तो पता है कि कैसा होता है, बट आप लोग भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कोडिंग के थ्रू हम कैसे इस फॉर्मेट को तैयार करते हैं और वो ऑटोमेट हो। तो हम मॉड्यूल्स लेते हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट मेक एटीटी के नाम से बना देते हैं, मेक अटेंडेंस। ठीक है सर। सबसे पहले तो मैं यहाँ A2 पे मंथ लिखना चाहता हूँ और यहाँ पे करेंट सिस्टम मंथ लिखना चाहता हूँ, राइट। यहाँ पे लिखता हूँ रेंज A2 डॉट वैल्यू इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में मंथ, फिर रेंज हम यहां देते हैं B2 डॉट वैल्यू इक्वल टू। अब यहां पे मुझे मंथ डालना है अपने सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग, समझ गए। तो और भी यहां पे हम देंगे, हमारे पास जैसे कि हमारे पास टुडे का फॉर्मूला होता है एक्सम, राइट, होता है ना। तो टुडे का फॉर्मूला क्या करता है, करेंट सिस्टम डेट देता है। ऐसे एक्सेल में टुडे डेट बन जाता है, लेकिन हमारे पास एक टेक्स्ट का फॉर्मूला होता है। टेक्स्ट का फॉर्मूला क्या करता है कि यहाँ पे मैंने दे दिया MMM और स्लैश YYY, तो डेट को इस फॉर्मेट में शो करेगा। ठीक है, तो सेम चीज मैं यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मूले की जगह पे फॉर्मेट, क्योंकि टेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ सपोर्ट नहीं करता, टेक्स्ट की जैसा फॉर्मेट का फॉर्मूला होता है। फॉर्मेट मैंने यहाँ पे दे दिया डेट मतलब कि टुडे, और इन्वर्टेड कॉमा में हमने दे दिया MMM/YY। अब इसको रन करके देख सकते हैं आप, यहां से यहां आ गया। बाईस 6 2022, बेसिकली ये जो है इसका फॉर्मेट जो है पहले से, ठीक है, जून 2022 आ गया। और बाई डिफॉल्ट यहाँ पे 1 जनवरी आया, एक एक फर्स्ट तारीख आएगा। अब मैं यहाँ A5 पे डालना चाहता हूँ सीरियल नंबर, तो रेंज A5 डॉट वैल्यू इक्वल टू सीरियल नंबर, राइट। उसके बाद मैं B5 पे, जो B का 5 B5 है, B5 में डालना चाहता हूँ इन आपका नेम, तो रेंज बी सर, आई फाइव हैव वन क्वेश्चन। पूछिए। जो आपने ये फॉर्मेट में डाल रखा है डेट और MMM, तो मतलब वो 3 वर्ड लेगा है ना, JUN लिया है, तो उसके बाद हमने YYYY 4 बार दे रखा है, तो ये 4 बार क्यों नहीं लिया इसने, 2 बार क्यों लिया 22, दो बार दूसरा दिन से चार ट्वेंटी बजे देखिए टू होता क्या है। आप एक समझ देखिए, इसे एक क्या कर रहा है, ये लिख रहा है इस तरह से जून जून हो ना, जून 2022, समझ गए। जैसे हाँ एंटर प्रेस हो रहा है सिस्टम इसको ऑटोमेटिकली डेट ले, 1 जून 2022 ले रहा है और डेट का एक फॉर्मेट अप्लाई कर दे रहा है, डिफॉल्ट फॉर्मेट। अच्छा मतलब वाई 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 4 बार भी देंगे तो भी वो डिफॉल्ट में 2 बार ही लेगा। जी, इसको एक तारीख ले लिया, ऊपर देखिए ना, एक तारीख ले लिया। ठीक ओके है, अगर आप चाहता है ऐसा ना हो तो फिर इसको आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे, तो फिर डेट ना बनेगा टेक्स्ट बनेगा आपका। ठीक है, रहने देते, इसका भी यूज हम करेंगे, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। ठीक है उसके बाद हम C5 के अंदर, C5 के अंदर में डॉट वैल्यू, और यहाँ पे क्योंकि C5 में मुझे डालना है स्टार्ट डेट, मतलब यहाँ पे क्या डालना है, स्टार्ट डेट डालना है। तो स्टार्ट डेट तो ऊपर है ही हमारा B2 में, क्या यहाँ पे रेंज B2 डॉट वैल्यू।
ठीक है, क्लियर है, समझे? हाँ जी क्लियर सर। अब यहाँ पे D2 के अंदर में हमें डालना है फॉर्मूला कि रेंज D5 के अंदर, सॉरी D5 डॉट वैल्यू या फॉर्मूला ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां हो जाएगा C5, यहां इक्वल इक्वल C5 प्लस वन, ठीक है। तो यहां पे क्या लगा देगा, फॉर्मूला लगा देगा, लगा दिया फॉर्मूला दो तारीख का। अब यहां पे मैं रेंज डी, यहां पे डी फाइव को कॉपी करूंगा और फिर रेंज यहां पे ई फाइव, से रेंज E5 डॉट ऑफसेट जीरो रो एंड कॉलम। तो अब यहां पे आपका आ गया कि भाई जो जितना महीना हो उतना ही लेके जाइएगा ना आप, क्या? तो यहां पे मैं देता हूं एंड ऑफ मंथ निकालता हूं, यहां पे D इक्वल टू अप्लीकेशन, याद होगा ये चीजें मैंने बताई थी सीट वाले एग्जाम्पल में जो मैं प्रोजेक्ट बताया था, वर्कशीट फंक्शन डॉट ई ओ मंथ, और ई ओ मंथ में हमने क्या दे दिया, हमने दे दिया डेट कॉमा जीरो, और इसको डाल देते हैं हम डे के फॉर्मूला, ठीक है, समझे? हाँ जी। अब यहाँ पे ऑलरेडी दो डाला हुआ है तो यहाँ पे हम D माइनस थ्री करेंगे, रेंज E5 से रेंज, कॉमा पेस्ट स्पेशल। अब देखिए क्या करेगा, ये क्या किया कि यहां तक लेके चला गया, अब ये इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, क्या है 30, फाइनल है, समझे सर? तो हर महीने के हिसाब से डेट बनाएगा, बट डेट का फॉर्मेट सही है ना। तो यहां पे मैं करता हूं रेंज, रेंज में हम देते हैं स्टार्टिंग में हमारा C5 है और एंडिंग में हमने बोल दिया कि रेंज C5 से ऑफसेट, ऑफसेट यहां जीरो रो एंड D माइनस वन, क्योंकि ऑफसेट वन से काउंट करता है इसलिए D माइनस वन कर दिया, डॉट नंबर फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट इक्वल टू हमने कर दिया डी डी। तो अब क्या करेगा देखिए, ठीक है, समझे? अब मैं इसमें एक काम और करता हूं, जो ई फोर है इसमें मुझे टेक्स्ट का फॉर्मूला इसमें संडे मंडे डालना, तो यहां हमने डाला रेंज सी फोर डॉट वैल्यू इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा में इक्वल टेक्स्ट और सी फाइव कॉमा, अब इसमें डबल कॉमा देना पड़ेगा दीदी, डबल कॉमा ट्रिपल, अब डबल कॉमा क्यों लगाया, डबल कॉमा लगाने के पीछे रीजन ये है कि यहां आप दिख रहा है ना आपको कि यहां पे ऑलरेडी हमें फॉर्मूले के अंदर इनवर्टेड कॉमा देना है, तो अगर एक इनवर्टेड कॉमा मैंने दिया तो समझेगा कि हाँ ओपन हुआ है, क्लोज हो गया,
इसलिए डबल इन्वर्टर कॉमा से वीवीएस समझ रहा है कि इसके अंदर का जो एक इन्वर्टर कॉमा है वो बाहर हमें प्रिंट करना है, इसलिए फिर से रेंज हमने सी फोर डॉट कॉपी और रेंज सी यहां पे डी फोर से रेंज डी फोर डॉट ऑफसेट 0, D-2 पेस्ट स्पेस सोलन करके देखिए ठीक है। जैसे माइनस टू हमने क्या लिखे डी माइनस टू, ये माइनस टू क्या था, ऑफसेट जीरो से चलता है ठीक है ना ये सर एक बार ना ऑफसेट का मुझे क्लियर नहीं है, कभी मैंने किया नहीं है यूज, तो एक बार बता दें। ऑफसेट तो पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में, नहीं वो मैंने कर तो दिया था, लेकिन एग्जैक्ट जो है वो रो वाइज और कॉलम वाइज क्या काम करेगा। जैसे कि सुनो सुनो बताइए, यहां पे सिंपल सा मतलब है, यहां पे कि अगर मैंने बोला रेंज A1 मान लीजिए कि B8 डॉट सेलेक्ट, ये क्या करेगा, B8 पे कर्सर चला जाएगा ना, B8 पे आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ B8 से B8 का अगला कॉलम, अगला दो कॉलम में यहाँ पे ऑफसेट करेगा, ऑफसेट। अब इसमें रो आता है तो रो बोला कि नहीं सेम रो चेंज नहीं करना, और मैंने बोला कि दो दो कॉलम ठीक है, यहाँ पे आएगा और यहाँ से 1, 2 यहाँ पहुंच जाएगा। ओके ओके ठीक है ना, 0, 1, 2 डी में आ जाएगा। यहाँ पे रो कर दिया कि 5 रो तो B8 पे जाएगा और यहाँ से 5 नीचे आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 फिर 0, 1, 2 यहाँ पहुंचेगा। ओके ओके, और प्लस है इसलिए अगर माइनस करेंगे तो रिवर्स होगा। ओके ऊपर जाएगा लेफ्ट आ जाएगा। हाँ तो यहाँ पे बेनिफिट हो गया ना कि हमें पता है कि हमें डी जितना है ना उतना कॉलम में हमें अपना डेट डालना है, मतलब कि 30 दिन तक डालना है राइट। तो अब मैं यहाँ पे तो एक्चुअली डाल ही चुका हूं ना, तो मुझे यहां से जो है 29 चाहिए, क्या चाहिए 29 चाहिए ना, तो जब जीरो से काउंट शुरू करेगा 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो इसका ऑफसेट का जो 30 है ना, ऑफसेट का जो 29 है एक्चुअली 30 पे जाएगा, क्योंकि जीरो से काउंटिंग शुरू कर रहा है एक से नहीं। तो एक तो हम ऑलरेडी यहाँ पे डाल चुके हैं और एक जीरो से काउंट करता है, इसलिए हमने एक कम किया है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 माइनस किया था और यहाँ पे 3 माइनस किया था, यहाँ पे 1 माइनस किया था। अगर यहाँ पे वेंसडे हम पहले नहीं डालते तो यहाँ पे -1 होता राइट। जी हाँ ठीक, जिसको कॉपी पेस्ट नहीं करना होता, सेम फॉर्मूला डालना होता है इसलिए। अब कॉपी पेस्ट क्यों करवा रहा, क्योंकि मुझे हर में अलग अलग इनपुट देना है ना इसलिए। हाँ, अब यहाँ पे मैं वीवीए मेथड लूप वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तो पढ़ा नहीं है। लूप वगैरह इस्तेमाल करूंगा तो मैं बोल दूंगा कि एक से चलो या फिर लेफ्ट में जाके लास्ट तक चलो और सारा कर लो, वो चीजें नहीं कर रहा हूँ ठीक है ना। इसी को फायदा हुआ कि यूजर अपना हिसाब से भी चेंज यहाँ पे डेट चेंज करेगा तो बाकी सब कुछ अपने आप चेंज हो जाएगा ठीक है, समझ गए। हाँ जी, अब मुझे एक से लेके यहाँ पे 1 से लेके 10 तक का सीक्वेंस नंबर देना, 1 से लेके 10 तक, तो कैसे करें। तो ये आपने मैक्स वाला फंक्शन जो बताया था, क्या एक मैक्स वाला एक फंक्शन बताया था ना आपने, ये भी ऑफसेट पे कर सकते हैं ना। हाँ यहाँ भी ऑफसेट A6 वैल्यू इक्वल टू 1 हम देन ऑफसेट जो ऊपर कर सकते हैं, लेकिन नंबर कैसे डालेंगे, हर सेल में अलग नंबर डालना है ना। मैक्स करके था ना उस दिन जो यूज कर रहे थे मैक्स फॉर्म में, यहाँ पे दो तरीके अपनाएंगे हम। एक करेंगे A6 डॉट वैल्यू कर देते हैं इक्वल टू 1 फिर रेंज A6 प्लस डॉट वैल्यू इक्वल टू हम डालेंगे A7 प्लस
यहाँ पे करेंगे ए सिक्स प्लस वन इक्वल टू लगाएंगे ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे रेंज ए सेवन ए सिक्स ए सेवन ए सेवन डॉट कॉपी कॉम फिर रेंज रेंज A7 से शुरू होगा और रेंज A7 डॉट ऑफसेट। अब यहाँ पे रो और होने और कॉलन होगा तो 10 है ना, 10 हम दो तो ले चुके हैं ना, 8 रो होगा, 8 में 7 होगा क्योंकि 0 चलता है, सेम कॉलन डॉट पेस्ट स्पेस स्पेशल। एक बार रन करके देख ले, 9 तक ही गया, मतलब 7 ने मुझे यहाँ पे 8 तक एक ही डाल रखा है ना मैंने, आ गया 10 तक से नंबर आ गया। अब मुझे A1 से जो यहाँ पे A4 से लेके जितना हमारा डेटा है उसको सेलेक्ट करके और इसमें बॉर्डर अप्लाई करना है। क्या करना है? बॉर्डर अप्लाई करना। तो कैसे करें? तो यहां हम A4 से करना है, तो रेंज A4 कॉमा रेंज A4 डॉट ऑफसेट 0 रो नहीं, ये आपका हो जाएगा 10 12 11 रो नीचे तक भी जाना है ना यहाँ पे और कॉलन, तो कॉलन में 30 तो डेट है हमारा डी जो ऊपर दिया हुआ है प्लस ये दो कॉलन है ना, तो यहाँ पे हम कर देंगे डी प्लस वन, वो 0 से शुरू होता है ना इसलिए डॉट। तो सर ये 30 और 131 हुए ना, 32 चाहिए था हमें, 0 से स्टार्ट होगा ना सर। अच्छा देख लेते ना, समझे? ऑफसेट में हमेशा एक कम लीजिएगा, नॉर्मल काउंट से एक कम, टोटल काउंटिंग 0 से शुरू करती है। आई थिंक आप लोगों ने एक्सेल का जो ऑफसेट फॉर्मूला है उसको सही से पढ़ा नहीं है ना? नहीं, पहली बार हमारा ये है, ऑफसेट हमने कभी यूज नहीं किए थे इसलिए आप, बट हाँ अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट होने के बाद अब सिलेक्ट करने के जगह पे मैं डायरेक्ट बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ क्या? तो बॉर्डर के लिए बताया था ना बॉर्डर्स डॉट लाइन स्टाइल क्या इक्वल टू थिकर थिन, ठीक है, वन कर दियो, सब देने की जरूरत नहीं, हो गया राइट सर। अब मुझे सबको सिलेक्ट करके ऑटो फिट करना है, क्या करना है? ऑटो फिट। तो इसी को हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये जो दिख रहा ऑफसेट वाला पार्ट है इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और डॉट ऑटो फिट। ये कॉलम का साइज जो है ना और यहाँ पे दिक्कत हो गई, अब ये पूछ रहा है क्योंकि आपने एक एरिया सेलेक्ट कर रखा है तो आप ऑटो फिट किसका करना चाहते हैं, रो का या कॉलम का? तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट, समझे? हो गया ऑटो फिट जी, समझे? हाँ जी। कुछ चीजें आप खुद भी रिकॉर्ड माइक्रो से ले सकते हैं, जैसे कि मैं माइक्रो रिकॉर्ड किया और मैं पेज लेआउट में गया और इसकी ग्रिड लाइन को, जो ग्रिड लाइन है ना, इसको अनचेक कर दिया, तो इसका इसका कोड देखिए यहाँ बन जाएगा, ठीक है? ये चीज आप यहाँ डाल सकते हैं कि डिस्प्ले हो जाए। उसके अलावा सैटरडे संडे का कोडिंग देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई जो सैटरडे संडे है वो हाईलाइट हो जाए कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाल के, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर आते न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला, इसकी कोडिंग मतलब कि हर कोडिंग आप जो कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग है उसको आप इससे भी उठा सकते हो रिकॉर्डिंग मैक्रो से, कि ए यहाँ पे C4 इक्वल टू सैटरडे कॉमा
अगेन सी फोर इक्वल टू संडे, और सी फोर में आपका फोर फ्री हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर फॉर्मेट प्रिंटर में जाए और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल एंड आप देखेंगे एक बार इसमें आते हैं, ठीक है फॉर्मूला सर, ये फॉर्मूला यहाँ लगाइए। अब सिलेक्शन है ना, सिलेक्शन दिख रहा है ना, बट सिलेक्शन तो करना है नहीं है ना, हमें तो करना है सी सिक्स। तो यहाँ पे रेंज सी सिक्स, समझ गए। अब इसमें हमने तो जस्ट कंडीशन लगाया ना, फॉर्मेट तो लगाया नहीं, तो फॉर्मेट का ये ले सकते हैं, देखा सिलेक्शन भी फॉर्मेट कंडीशन डॉट इंटीरियर दिख रहा है ना, तो सिलेक्शन तो है नहीं हमारे पास, तो सिलेक्शन छोड़ देते हैं। यहां देते हैं रेंज सी सिक्स, और ये डॉट लगा दिए फॉर्मेट कंडीशन इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी ग्रीन कर देते हैं, या कोई और कलर दे दीजिए, आरजीबी दे दीजिए, जो कलर सिमित ने बताया था उसमें। एन लेकिन अभी ये सी सिक्स एक सिंगल सी सिक्स पे ही हुआ है, ग्रीट हो गया, ग्रीन होना है ना, वेबी ग्रीन सी सिक्स पे ही है ऑलरेडी, एक सिर्फ सी सिक्स के अंदर ही है। मैं चाहता हूं कि पूरा पेज है, पूरा डेटा के ऊपर, समझना है आपको। तो आपको क्या करना है, रेंज रेंज सी सिक्स को क्या करना है, कॉपी करना है, उसके बाद रेंज सी सिक्स स्टार्टिंग हो गया, एंडिंग में रेंज सी सिक्स डॉट ऑफसेट, और यहां पे रोल हो जाएगा आपका 9, और कॉलन जो हो जाएगा डी माइनस 1, समझ गए। और यहां पे हम पेस्ट स्पेशल नहीं करेंगे, पेस्ट स्पेशल करेंगे, अब सॉरी पेस्ट स्पेशल, अब पेस्ट स्पेशल में यहां पे दिखेगा पेस्ट एज ए फॉर्मेट, ठीक है। अब रन कीजिए इसको एक बार, बटे जो हमने ऑफसेट में 9 लिए, हमें तो रो में सैटरडे संडे तो आएगा ही नहीं, सैटरडे संडे कॉलम में ही रहेगा क्या? हाँ, सबसे लास्ट वाला रो जो है ऑफसेट 9 लिया, 9 कॉमा डी माइनस 1। हां, मैं ये बोल रहा था रो में जो 9 है इसमें तो संडे आएगा ही नहीं, सैटरडे संडे, ये पूरा डेटा को कर रहे हैं, डेटा में पूरा इस पूरे में जो सैटरडे संडे है ना, वो कॉलम पूरे कॉलम को ये ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन इसने वीवी ग्रीन में देखे, ग्रीन का जी नहीं था इसलिए ब्लैक दे दिया, ये समझ गया। हाँ जी, इसे क्या हुआ तो ऊपर के हिसाब से, अब देखिए इसको फुल स्क्रीन करते हैं, ये आपका फॉर्मेट रेडी, और किसी भी सीट पे मैं जाऊंगा, अब मुझे क्या करना है, अपना मैक्रो, सॉरी अपना जो मैक, स्टॉप रिकॉर्डिंग, अपना जो मैक्रो है ना, ये एमके मेक अटेंडेंस रन करना है, और कुछ सेकंड में आपका फॉर्मेट रेडी हो गया, वो भी क्रेन सिस्टम के हिसाब से। ऊपर में जैसे जून है जुलाई डालेंगे तो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे जाके मान लीजिए ना कि आपको जुलाई डाल के एंटर मारिए, फिर मैक्रो चलाना पड़ेगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं यहाँ पे डालना, ऊपर नहीं डालना, यहाँ पे डालना। अब इसलिए क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने किया हुआ है सीरियल नंबर नेम ए बी टू डॉट वैल्यू किया हुआ है ना, यहां पे आप चाहते हैं कि लिंक हो तो हमें क्या करना होगा, इक्वल बी टू, इसको हमने क्या किया, सेल लिंक कर दिया। अब एक बार और चलाऊं इसको मैं,
अब मैं यहां पे अगर जुलाई डाल के एंटर करता हूं, चेंज हो गया? नहीं हुआ सर। लेकिन आपका ये चेंज नहीं होगा, कॉलम ऐड नहीं होगा, क्योंकि कॉलम ऐड का सिस्टम ने बनाया नहीं। ठीक है, तो दैट मींस अगर मंथ चेंज होता है, मंथ चेंज होता है तो अभी ये डायनेमिक नहीं हुआ कॉलम भरा जाए। अभी हमने फिलहाल बनाया है कि सिस्टम डेट को रीड करेगा और रीड करने के बाद वो फिर उसी हिसाब से देगा। आप चाहते हैं इट मींस अगर जुलाई का हो, हाँ, तो फिर आपको जहाँ पे हमने डेट का फॉर्म लिया रख डेट, इसके जगह पे आपको डेट सीरियल यूज करना पड़ेगा और आप मंथ डालेंगे उस हिसाब से, एक तारीख का डेट बनाएगा और फिर उस हिसाब से। ठीक है, तो वो चीजें होगी, अभी फिलहाल इतना तो करके देखिए। ठीक है सर, ओके, रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, एक रिकॉर्डिंग कहीं भी प्रिंट कीजिए, आपका वर्क करना शुरू हो जाएगा।